आज है 16 एंड आज से ठीक दो दिन बाद 18 अक्टूबर को मैं फाइनली यहां से निकल रहा हूं दिल्ली के लिए। इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, बट अब वो दिन ख़त्म होने वाला है और आज एक्चुअली मैं अकेले जा रहा हूं। एंड आपको पता होगा अकेले जर्नी करना कितना बोरिंग होता है। मेरा जर्नी है उसमें मुझे पूरे 3 दिन लगेंगे, सो अकेला जाना है तो इसके लिए मैं आज जा रहा हूँ अपने एक भैया के शॉप में और वहाँ पर जाकर मैं मतलब अपने फ़ोन में कुछ मूवीज़ वगैरह और एक्चुअली ईयरफोन भी लेना था और मूवीज़ वगैरह डलवाना है। सो जल्दी से चलता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन से जगह में जा रहा हूँ और उनका दुकान भी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं दुकान पर पहुँच जाता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो वेलकम बैक गाइस विद अनदर ब्लॉग एंड फाइनली मैं पहुँच चुका जिस दुकान में मुझे जाना था और यहाँ से मतलब मैं कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मुझे लेना होता है तो मैं इसी दुकान से आके लेता हूँ। और इस वक्त मैं हूँ न्यू मार्केट, अभी आया हूँ भैया के पास और मैंने जैसे आपको बताया मुझे कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होता है तो मैं इसी दुकान से लेता हूँ, जैसे कि ईयरफोन्स हो गया, फ़ोन्स हो गए या चार्जर्स हो गए, कुछ भी हो गए। और यहाँ से और एक चीज़ बता दूँ, अगर मुझे कुछ ऑनलाइन जैसे कि पास बनाना हो या कुछ भी ऑनलाइन का काम भी हो तो इनके पास ही मैं आता हूँ। चलिए अब चलते हैं भैया के पास, तो कस्टमर्स देख लें। और भैया कैसे हैं? बढ़िया। थोड़ा जोर से बोले, खाए पीते नहीं? सो ये हम भैया और इनका नाम है सुनील और दुकान देख सकते हो काफ़ी अच्छा और भरा हुआ है। सो भैया आज पता है क्या करने हमें, मुझे मूवीज़ चाहिए, वो भी एक्टिवा 2025 चाहिए मूवी। एक्चुअली क्या है गाइस मैं बता दूँ, अगर कोई भी मूवी नया रिलीज़ होता है तो इनके पास अवेलेबल होता है तो इसीलिए मैं इनके पास आया हूँ और आपको बताया जैसे कि मेरा जो जर्नी होने वाला है 18 से अकेला जा रहा हूँ। सो मूवी तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रास्ते में तो पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, बात करने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो अभी भैया से मैं जल्दी से मूवी डलवा लेता हूँ और उसके बाद वापस घर जाना है एंड मुझे कुछ तैयारी भी करनी है। एक्चुअली आज 16 है और मैं कल भी करा सकता था बट उसका मैं नहीं कराया क्योंकि कारण ये है कि कल शायद मैं बिजी भी रह सकता हूँ और बाई चांस कल मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ तिनसुकिया के लिए, मतलब क्योंकि जो मेरा जर्नी होने वाला है वो तिनसुकिया से ही होगा और तिनसुकिया से दिल्ली काफ़ी लंबा एंड जर्नी कैसा रहेगा उसका भी ब्लॉग मैं बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मूवी डलवा लेता हूँ। ये एक बहन मिली है मुझे और मैं इनका वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम में। और क्या करती हूँ इंस्टाग्राम में तुम? तो ये डांस करती है और शॉर्ट्स वीडियो डालती है वहाँ पर। आपका इंस्टा आईडी क्या है? साइना परवीन। में आपको इनका इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और मेरी ये सब्सक्राइबर भी है, ये आई थी जब तो इसको मैं पहले से जानता हूँ पर ये आके मुझे फर्स्ट टाइम बात करे, एक तो पहले बता दूँ फर्स्ट टाइम बात करी है मेरे से और आई तो बोलते हैं कि भैया मैं आपका वीडियो देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। सो इनका जाकर इनका मतलब जो इंस्टा आईडी एक बार चेकआउट कीजिए और कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। आधे घंटे वेट करने के बाद, आधे घंटे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जब भी आता है तो वेट करना ही पड़ता है। और अब मेरी मूवी डला रही है और हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी हो डाल दीजिए। देख सकते हो गाइस नहीं कोई अच्छा हॉलीवुड बॉलीवुड ये सब चाहिए, रोई हॉरर मूवी चाहिए, जो भी डाल दीजिए बस देखने में मजा आ जाए। तो करीब 20-25 मूवीज में डलवाऊंगा क्योंकि सब देखना है, वही अकेला जा रहा हूँ। तो गाइस मेरा मूवी जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है और तब तक मैं आपको बता देता हूँ इनके दुकान में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगे। सो एक तो सबसे पहले बता दूं मैं कि इनके दुकान में आपको जो भी मोबाइल चाहिए वो मिलेंगे, अवेलेबल है। एंड अगर आपको कुछ अपने तरफ से जैसे कि कभी कभी होते हैं कि सबके पास सब स्टॉक नहीं होता, अगर कुछ चाहिए और आपको मतलब इनको आप बता दीजिए तो वो फ़ोन आपको मांगा कर दे देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका जैसे कि नेट बैंकिंग जो होता है पैसे ट्रांसफ़र करना और कुछ ऑनलाइन पास या जैसे भी मतलब कुछ बनाना हो तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। एंड दुकान का मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिल जाएंगे। फिलहाल मेरा 20 मूवीज़ मैंने डलवा लिया है एंड और 10 मूवीज़ उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। सो इनके भाई ने इतने सारे ईयरफोन्स निकाले, सारे के सारे रियल मी के हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कैसा लग रहा है चश्मा गाइस, मज़ा आ रहा है ना? सो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 से 4
कितने बॉक्स हैं? ओ रे रे रे, इतने सारे देखो, 1 2 3 4, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे। 5 एयरफोन्स है मेरे पास और सारे के सारे रियल मी के, और एक है ये वन प्लस का। भाई देख लो, कैसे भी देख लो और मैं दिखाता हूँ और कौन सा बेस्ट रहेगा भैया बताएंगे। बाय द वे, रियल मी का सारे के सारे एयरफोन बेस्ट होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, बट द थिंग इज ओरिजिनल होने से तभी बेस्ट होगा, डुप्लीकेट की तो। और बाय द वे, यहाँ पर सारे के सारे सामान आपको ओरिजिनली देखने को मिलेंगे, नो डाउट। अगर नहीं आता तो आप कभी आओ इनके दुकान में, अगर डुप्लीकेट मिलेगा तो भैया सामने ही है, लगा दो आप जो चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 5 एयरफोन्स है और 4 आपका देखिए रियल मी का है। सो यहाँ पर 4 है, सारे के सारे रियल मी है और एक ये वन प्लस का। और गाइस मैंने अभी जस्ट चेक किया, सबको खोल कर देखा और मुझे वन प्लस अच्छा लगा, और कारण ये सुंदर लड़की, इसके वजह से मुझे ये एयरफोन अच्छा लगा। गाइस मज़ा कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेस्ट लगा एयरफोन का, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो मैंने ये चीज़ किया, और इसका रेट क्या है वो मैं आपको बताऊँगा अभी भैया से पूछ कर। सो भैया इसका रेट कितना पड़ेगा? 350। सो इसका रेट आपका 350 पड़ेगा वन प्लस। एंड गाइस एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इनके दुकान पर आते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और डिस्काउंट कितना मिलेगा वो आपका प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको सब्सक्राइब करके यहाँ पर आएंगे तभी मिलेगा डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये एक आप देख सकते हो, दूसरा है जो कि फॉक्सन कंपनी का है और इसका बेस्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप यही देख के पता कर सकते हो, ये देख के पता काफ़ी अच्छा है, और प्राइस तो आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा, मैं आपको फ़िलहाल दिखा दे रहा हूँ बस। आपको पता होगा कि आरडी का भी एयरफोन काफ़ी अच्छा, और इसका जैसे कि सुपर बेस्ट एयरफोन, इसका बेस्ट क्वालिटी, अगर आप पबजी खेलते हो तो ये आप एयरफोन जरूर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका जो बेस्ट क्वालिटी है ओपी बोलते हैं भाई, ये हो गया। उसके बाद एक आपका यहाँ पर मिलता है टाइप सी का बेस्ट फैक्ट्री, ये आपका टाइप सी जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये टाइप सी का एयरफोन है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, आपको गोल राउंड वाला मिलता है, बट अभी ज़्यादातर टाइप सी का देखने मिलता है फ़ोन या चार्जिंग जो भी हो। सो ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद मेरे पास 2 है ब्लूटूथ वाले, नाम क्या है, बीट्स प्रो, ये आपका ब्लूटूथ ईयरफोन रहेगा गाइस, बोट का। ओ भाई ये इसका तो कवर देख के पता चल, कवर देख के आपको पता लग जाएगा कि कैसे, और यहाँ मैम को देखिए कितनी प्यारी लग रही है गाइस, ईयरफोन भी वैसा है और जो मैम यहाँ पर है वो भी काफ़ी अच्छा। सो कुछ इतने ईयरफोन्स आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया, सो ये सारे एयरफोन्स, और वैसे आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अभी तो मैंने बहुत 50% भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया कहता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको चीज़ मिल जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया था मैंने लिया है वन प्लस का एयरफोन, और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का देख रहा है। सो ये है वन प्लस का एयरफोन जैसे कि आप देख सकते हो, एंड मुझे इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये रेड है एंड ब्लैक, सो ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कंफर्टेबल से फिट भी होता है, काफ़ी कंफर्ट भी है, अच्छा लग रहा है। एंड सबसे अच्छा तो गाइस चश्मा, पर पैसा नहीं है गाइस, क्या कर सकता चश्मा लेने के लिए, तो चश्मा किसी और दिन। तो फिलहाल ये मेरा एयरफोन, एंड मैंने मूवी भी ट्रांसफ़र करा लिया, अब बाड़े यहाँ से जाने का।